श्रावण माह में शिव भक्त अपने अपने तरीकों से भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिशों में लगे हैं। कोई पैदल कावड़ लाकर तो कोई डाक कावड़ लाकर शिव को प्रसन्न करने में लगा है। रेवाड़ी के सुलखा गांव के भी युवा सैनिकों के सम्मान और शहीद हरि सिंह की याद में महाकावड़ लेकर रेवाड़ी पहुंचे। रेवाड़ी में भव्य झांकी और डीजे पर देशभक्ति के गीतों पर बड़े रथ के साथ भगवान शिव की मूर्ति के साथ आगे बढ़ रहे ये शिव भक्त रेवाड़ी के गांव सुलखा के हैं, जिन्होंने ट्रैक्टर पर आगे पुलवामा शहीद हरि सिंह की फ़ोटो लगाई हुई है और तिरंगा लगा शिव की भक्ति में झूम रहे हैं। बता दें कि पुलवामा हमले में जवाबी कार्रवाई करते हुए रेवाड़ी के राजगढ़ का जवान हरि सिंह शहीद हो गया था और उसी की याद और सैनिकों के सम्मान में पास के गांव सुलखा के 30 युवा ये महाकावड़ लेकर रेवाड़ी पहुंचे हैं। इस महाकावड़ में चार चार युवा भगवान शिव के रथ को खींच रहे हैं। भक्तों का कहना है कि वो टोली बनाकर इसलिए गए थे ताकि युवा शांतिप्रिय तरीके से कावड़ लेकर आए। उन्होंने कहा कि शांति का संदेश देने और शहीद हरि सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए और सैनिकों के सम्मान में ये महाकावड़ लाई गई है। हम हरिद्वार से लेके आ रहे हैं, अपने सुलखा गांव में जाएंगे, रेवाड़ी जिले में है ये। और ये हमारे इलाके में एक हमारे शहीद हुए थे भाई शहीद हरि सिंह, उनकी श्रद्धांजलि के रूप में भी हम इसको लेके आ रहे हैं। हम यहाँ से 15 तारीख को गए थे और हम 19 तारीख को शाम को वहाँ से चले थे और अभी हम 30 तारीख को, आज 29 है, कल 30 तारीख को सुबह चले चढ़ा हुए। हम चाहते हैं कि ये जो कावड़ का माहौल है, आजकल कावड़ का माहौल एक अलग रूप ले लिया है कावड़ ने, आप सुनते आ रहे हो, न्यूज में देखते हो, सब जगह हो रहा है। फिर भी हम ये चाहते हैं जो कावड़ आए वो सभी संगठन बने, इसको मजबूत करने के लिए हम कावड़ लेके आ रहे हैं। कोई भी घटना घट जाए, कोई भी इलाके में बात हो जाए तो सब एक साथ रहें, सब मिलजुल कर रहें, हमारा यही उद्देश्य है। लेकिन हमारा ये कावड़ का मकसद है कि हमारा एक परिवार टाइप में है, जैसे कि हम डाक वगैरह 19 से 21 साल की एज में जो बच्चे डाक कावड़ लाने जाते हैं या नादानी थोड़ी सी कर लेते हैं, हम उनको यही संदेश देते हैं कि ये इकट्ठा एकजुट होके और ऐसी ही कावड़ लेके आए। हमारी टीम में टोटल 30 लोग हैं और कावड़ तो ये तो सावन महीना पूरे भोले बाबा का है, लेकिन हम लोग कावड़ का मेन मकसद है कि हमारे देश के जो जवान है, फौजी हैं, हम लोगों ने पूरे रास्ते फौजियों के ऊपर भी गाना बजाते और नाचते गाते आ रहे हैं। तो हमारा मेन मकसद ये है कि कावड़ तो यही है, अपने फौजी और देश के जितने भी जवान हैं उनको सैल्यूट है तहे दिल से और उनकी श्रद्धांजलि को हम तहे दिल से नमन करते हैं। ये शिवरात्रि है, शिवरात्रि को महाकावड़ बोली जाती है और अपने गांव के जो शिवलिंग है उस पर गंगा जल चढ़ाते हैं। सावन जो सिस्टम है, डीजे साथ में जो नाच रहा गाने सारे साथ साथ वहीं से चलते हैं। हाँ जी, साथ साथ क्या है साथ में आपके? दो ट्रैक्टर हैं, एक ये हमारा रथ है, 28-30।